कहा जाता है कि दिमाग के मामले में बंदर इंसान के सबसे नज़दीकी होते हैं। यदि आपको इस बात को हकीकत में देखना है तो आपको जापान के काबुकी रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा। इस रेस्टोरेंट में वेटर का काम इंसान की जगह बंदर करते हैं। शायद आपको ये बात हैरान करने वाली लगे, लेकिन ये सच है। इस रेस्टोरेंट में बंदर येट चेन और फुकू चेन 2008 से वेटर का काम कर रहे हैं। इनमें से येट चेन बड़ा है। जैसे कि कोई कस्टमर रेस्टोरेंट में एंट्री करता है, दोनों बंदर अपने काम में लग जाते हैं। एक कस्टमर को उसकी सीट तक ले जाता है और दूसरा उसके हाथ पोंछने के लिए टॉवल लेके आता है। उसके बाद एक बंदर उनसे ऑर्डर लेता है और दूसरा बंदर ऑर्डर सर्व करता है। कस्टमर्स के अनुसार इंसानी वेटर्स की तुलना में ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इंसानी वेटर्स की तरह इनके व्यवहार को लेकर कभी भी शिकायत नहीं होती। दूसरी बात यह है कि ये कभी भी टिप नहीं मांगते हैं। मालिक के लिए खुशी की बात यह है कि इन मंकी वेटर्स ने उन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया है। ये ग्राहकों द्वारा दिए गए ऑर्डर को एकदम सही समझते हैं और टेबल तक वही चीज़ पहुंचाते हैं। इसके अलावा एक मज़े की बात यह है कि इन्हें सैलरी में केवल सोयाबीन चिप्स देनी पड़ती है। जब इन्होंने काम शुरू किया था तब ये केवल ड्रेस पहनकर काम करते थे, लेकिन बाद में ये ड्रेस के साथ साथ ह्यूमन मास्क भी पहनने लगे ताकि कस्टमर्स को ज़्यादा फेमिलियर लग सके। जापान में एनिमल राइट्स बहुत सख्त है तथा उनका कड़ाई से पालन होता है। हालांकि इन बंदरों से वेटर का काम करवाने के लिए इनके मालिक ने सरकार से इजाज़त ले रखी है, पर वो इन बंदरों से दिन के कुछ ही घंटे काम करवा सकते हैं। इसलिए रेस्टोरेंट के मालिक ने 3 और बंदरों को ट्रेनिंग देकर तैयार कर लिया है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द इन्फॉर्मेशन बुक को ज़रूर सब्सक्राइब करें।